भारतीय टीम से यही उम्मीद है कि वो अपना प्रदर्शन अच्छा करें और पूरी जान झोंक दें, जिससे वर्ल्ड कप हम लोगों के अभी आए प्राउड मोमेंट होगा हम लोगों के यहाँ वर्ल्ड कप आना। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप रोहित से? 100। और इसके अलावा बॉलिंग की बात करें तो? बॉलिंग की बात करें, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार, इन दोनों का मेन रोल रहना चाहिए। आपको पता आज कानपुर से कुलदीप यादव चाइना मैन भी है, उनसे क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप उनसे, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको कहना चाहते हैं कि उनका भी अच्छा योगदान रहना चाहिए, बढ़िया बॉल कराएं और कानपुर का भी नाम रोशन करें। हमें भारतीय टीम से यही उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप लाए, इस बार अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा फेवरेट जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह वो वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर भी है और मैं उनको पसंद करता हूँ, इसलिए। क्या लगता है वो विरोधी टीम के लिए कारगर साबित होंगे? हाँ, बहुत। आज उनसे उम्मीद है कि 5 विकेट ले। आपको उम्मीद है वो 5 विकेट लेंगे। इसके अलावा स्पिनर्स की बात करें तो अपने यहाँ से कुलदीप यादव कानपुर से गए, उनके लिए आपको क्या लगता है? यही लगता है कि वो अपना प्रदर्शन अच्छे से अच्छे करे, कानपुर का नाम रोशन करे और इंडिया को भी अच्छी जीत दिलाए। हमारे पास ये उम्मीद है कि इंडिया अच्छा से अच्छा खेले और इंडिया में लाए वर्ल्ड कप। इस साल किन प्लेयर पे सबसे ज़्यादा दामरदार इस बार निर्भर है भारतीय टीम का? इस साल तो मैं उम्मीद करता हूँ रोहित शर्मा पर, और बॉलर में जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या। इस बार तो पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम बहुत बैलेंस की है और जिस हिसाब से टीम खेल रही, परफॉर्मेंस बढ़िया हो रहा है कि पूछे टीम अभी आज आप मैच देख रहे थे, लो स्कोरिंग पे साउथ अफ्रीका ऑल आउट कर रही है बॉल लो स्कोर पे, और स्पिनर अच्छा करे, जून चहल ने 4 विकेट लिया, कुलदीप यादव ने 1 विकेट, बॉलिंग लाइन एंड बैटिंग लाइन बहुत बैलेंस की टीम बनी है हमारी। इंग्लैंड की पिच की बात करें तो हमेशा कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स की पिच है, तो इसमें स्पिनर्स को कैसे मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आज मैच देख रही है और ये आपके सब साबित कर दिया, चहल ने 4 विकेट लेके, मीडियम पेस में बुमराह ने अच्छा किया, ठीक है, बट नो डाउट ऐसा अब हमारे पास ऐसे स्पिनर हैं कि कहीं भी विदेशों विकेट भी खिला सकते हैं, वो परफॉर्म करने में माहिर।